राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आज का तीसरा सवाल, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आपको सर्च करने की कितने सारे ट्रायंगल में है, ठीक है, और ये आपको बताना है इन द एंड। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। और आपको जो रेक्टेंगल है उनका भी दिया हुआ है लेंथ और विड्थ, सॉरी लेंथ और हाइट, ठीक है। तो हर रेक्टेंगल जो है उसका एक कॉर्नर 0.0 पे फिक्स्ड है, और ये रेक्टेंगल जो स्पैन कर रहा है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में स्पैन कर रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट है वो भी आपको पॉजिटिव एक्स वाई में भी में ही दिया हुआ होगा, मीट करता हूँ, यस पॉजिटिव में ही दिया होगा। आपको बस बताना है कि हर एक पॉइंट कितने सारे रेक्टेंगल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे कि इस एग्जांपल पे एक बार आते हैं, अच्छे से क्लियर होगा इस एग्जांपल को देखते हुए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ दिया हुआ, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जो कि 1.2 लेंथ और विड्थ का है, ठीक है। तो 1 इधर लेंथ और 2 इधर विड्थ, विड्थ या हाइट कह लीजिए, ठीक है। तो ये 1x2 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। 1x2 का जो रेक्टेंगल है वो कहाँ से कहाँ तक स्पैन करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पैन करेगा, ठीक है। अलग से कलर में दिया ही हुआ है तो आई शुड नॉट कलर इट। अगर आप आगे बढ़े 2.3, ठीक है, तो इधर से ये 2 तक जाएगा, 2x3 का जो भी एरिया है उसमें ये रेक्टेंगल फैला हुआ है, जो दूसरा रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो तीसरा रेक्टेंगल है वो 2.5 तक स्पैन कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब दिख गया होगा। अब आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे जाएंगे, ठीक है, जो अलग से आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। 2.1 अगर कोऑर्डिनेट को आप लोकेट करें तो कुछ इस पोजीशन पे आता है, ठीक है। इस पोजीशन पे आने का मतलब क्या हुआ कि वो कितने रेक्टेंगल में प्रेजेंट है। देखिए, एक इस रेक्टेंगल में तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, इस रेक्टेंगल में प्रेजेंट 2.3 वाला, यस 2.3 वाले रेक्टेंगल में ये प्रेजेंट है। 2.5 वाले रेक्टेंगल में, वेल आपको ये दिख नहीं रहा है पर ये ओवरलैपिंग ही तो है, ये रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के ऊपर तो है, ठीक है, इसके नीचे तो जस्ट ये वाला रेक्टेंगल है। तो ये वाला जो पॉइंट है 2.1 वो इस रेक्टेंगल पे भी है, इस रेक्टेंगल पे भी है, ठीक है। तो आपको 2.1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्टोर करना है 2, ठीक है। 2 क्या डिनोट कर रहा है कि ये कितने रेक्टेंगल में प्रेजेंट है, ये कितने रेक्टेंगल में प्रेजेंट है, ठीक है। 2.1 कितने रेक्टेंगल प्रेजेंट है, 2 रेक्टेंगल में प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 स्टोर करना है। फिर आप आगे बढ़े 1.4 को अगर आप लोकेट करेंगे तो कुछ इधर आता है, तो इस रेक्टेंगल के भी बाहर, इस रेक्टेंगल के भी बाहर है पर इस रेक्टेंगल के वो अंदर है, तो आपको स्टोर करना होगा 1, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि उतना टफ नहीं था एग्जाम्पल को कॉम्प्रिहेंड कर पाना, पर फिर भी एक बार देख लेते तो अच्छे से क्लियर होगा कि आगे चल के किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 1.1 सॉरी लेंथ कॉमा विड्थ दिया हुआ है। तो ये रेक्टेंगल 1x1 का है, ठीक है, ये रेक्टेंगल 2x2 का है, ये रेक्टेंगल 3x3 का है, अलग अलग आपको दिए हुए लेंथ और विड्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट जो है 1.3 को अगर आप मैप करें तो ये इधर निकल के आएगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल में। 1.1 को अगर आप मैप करें तो इस पॉइंट पे निकल के आता है, और ये इस रेक्टेंगल में भी, इस रेक्टेंगल में भी, इस रेक्टेंगल में भी, एज या कॉर्नर जो भी कह लो आप, उस मतलब इस रेक्टेंगल का ये जो एज है, सॉरी ये जो कॉर्नर है और ये जो एज के सारे पॉइंट्स है वो सारे इस रेक्टेंगल में आप इंक्लूसिव कंसिडर करो, ठीक है। तो ये इस रेक्टेंगल में भी है, इस रेक्टेंगल में भी है, इस रेक्टेंगल में भी है, तो तीनों रेक्टेंगल में है। तो 1.1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्टोर करना है 3, ठीक है, 1 और 3, 1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3। तो इसको अप्रोच कैसे किया जाए, ठीक है। तो अगर आपने इसको ब्रूट फोर्स वे में सोचने की कोशिश किया होगा तो ये बहुत ही मतलब पागल टाइप का कंस्ट्रेंट बनने वाला है, किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। पर यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो इधर इन्होंने थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन दिया है कि आपका जो कोऑर्डिनेट्स है हाइट का या वाई का, ठीक है, हाइट मतलब ये जो वाई वाला जो था विड्थ जिसको मैं बोल रहा था अभी तक, वो जो हाइट है उसका रेंज 0 से लेके 100 तक ही होगा, सॉरी 1 से लेके 100 तक ही होगा, और इसका जो पॉइंट आप सर्च करने वाले हैं, जो कोऑर्डिनेट आप सर्च करने वाले हैं, उसका भी वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन हमें मिल गया, ठीक है, ये हमें रिलैक्सेशन मिल गया कि ये जो है वाई कोऑर्डिनेट
ये आपका 1 से लेके 100 के बीच में लाइक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से सर्चिंग मेरा इम्प्रूव होगा, ठीक है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट सर्च करने गए 1.3, ठीक है, 1.3, आप एक्स कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, ठीक है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को भी आप भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ वाई वाले कोऑर्डिनेट को अगर आप देखो तो ये आप 3.0.3, ये आप एक ये लाइन समझो, इस लाइन और इस लाइन से बड़े जितने भी रेक्टेंगल है आप उसमें इन पॉइंट के प्रेजेंस को सर्च करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी रेक्टेंगल का लेंथ इतना हो तो वो उसके अंदर आ जाएगा, हो सकता है उसका किसी का लेंथ इतना ही हो तो उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। पर आप क्या यहाँ पर लिमिट लगा रहे हो कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका विड्थ सॉरी जिसका हाइट एटलीस्ट 3 तो है ही, ठीक है, उस रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल से जितने भी बड़े रेक्टेंगल है उन सभी रेक्टेंगल में आप इसको इस पॉइंट को सर्च करने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरा 1.1, ठीक है, इस पे आपने क्या देखा कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो आप वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिक्स कर दो, वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप उन सभी रेक्टेंगल में इसको सर्च करने की कोशिश करोगे जिसका जो हाइट है, ठीक है, हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, वो 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 से बड़ा मैं क्यों सर्च कर रहा हूँ, 1 से बड़ा मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मतलब अगर ये 1 से छोटा है किसी का वाई कोऑर्डिनेट तो उसके अंदर तो प्रेजेंट होगा ही नहीं ना। जैसे मान लेते कोई एक रेक्टेंगल ऐसा भी होता, ठीक है, ऐसा भी होता कोई रेक्टेंगल, तो ऑल दो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मीट कर जा रहा है पर इसका वाई कोऑर्डिनेट तो इससे छोटा है, ठीक है, तो ये हमेशा ही उसके आउटसाइड लाई करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऐसे रेक्टेंगल जिसका वाई कोऑर्डिनेट एटलीस्ट इसके वाई कोऑर्डिनेट के जितना है उधर से लेके मैक्सिमम मैक्सिमम आपका कहाँ तक हो सकता है, 100 तक हो सकता है, ठीक है, तो 100 लेंथ तक में जितना भी आपका हाइट आ रहा है उस हाइट से लेके 1 से लेके 100 तक में उन सभी में सर्च करूंगा किसका विड्थ एटलीस्ट 1 या फिर 1 से ज्यादा है, ठीक है, 1 या फिर 1 से ज्यादा है। जैसे अगर आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही था, ठीक है, तो ये इंक्लूडेड हो रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, और इसका अगर आप वाई कोऑर्डिनेट देखें तो वो भी 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका वाई का भी रेंज इससे ज्यादा है और इसका एक्स का भी रेंज इससे ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो इसके अंदर आ ही रहा है। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे इसको सोचेंगे आप, ठीक है, तो इसका भी अगर आप वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का स्पैन देखेंगे तो वो भी 3 लेंथ का है, वाई कोऑर्डिनेट का जब आप स्पैन देखेंगे तो वो भी 3 लेंथ का है, तो 1.1 इसके अंदर भी आने वाला है। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बार समराइज कर देता हूँ चीजों को दूसरे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, इस एग्जाम्पल पे एक बार देख के समराइज करते हैं कि सबसे पहले तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया कि एटलीस्ट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम वैसे रेक्टेंगल के को सर्च करेंगे जिसका वाई कोऑर्डिनेट एटलीस्ट 1 तो हो, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, एट मैक्स, यहाँ पर तो 5 ही है, एट मैक्स कहाँ तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है, ठीक है, तो हम सभी में सर्च करेंगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगल में गए, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो अगेन ये 1 से बड़ा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका 2 से छोटा है, तो ये क्या आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। फिर आप आगे बढ़े, वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 3 है, ठीक है, तो ये इसको तो कंसिडर करने ही वाला है, इस वाई कोऑर्डिनेट को तो स्पेंड करने ही वाला है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 ही है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाई करने वाला है। फिर आप आगे बढ़े, ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी इससे ज्यादा है तो ये इसके अंदर तो आने ही वाला है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को तो स्पैन कर ही रहा है। अब देखते हैं कि ये एक्स वाला इधर तक स्पैन कर पा रहा है, ठीक है, एक्स वाला भी एग्जैक्टली 2 तक ही स्पैन कर रहा है, ठीक है, 2 तक ही स्पैन कर रहा है, तो ये भी अपने आंसर में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एक बार मैं अपने कोड से वॉक थ्रू करवा देता हूँ, आप इसको देख सकते हो और हिंट लेके अपने तरीके से लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर से देखा कि यहाँ पर हाइट का जो वैल्यू है मैक्सिमम 100 तक हो सकता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक 101 लेंथ का 2D DP डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, 101 लेंथ का, 101 लेंथ मतलब 0 से लेके 100 तक के सभी लेंथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि आपने 100 लेंथ तक आप क्यों गए, हो सकता है कि लेंथ उसका 100 ना हो, 10 हो, 15 हो, ठीक है, पर मुझे ऐसा पता थोड़ी है कि लेंथ कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, हो सकता है कि एक का लेंथ वाई कोऑर्डिनेट 1 हो, अगले का वाई कोऑर्डिनेट 85 हो, 85 हो, अगले का वाई कोऑर्डिनेट 98 हो, ठीक है,
तो ये मुझे पता थोड़ी है, पर मुझे ये बात तो कंफर्म के साथ पता है कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट होगा वो 1 से लेकर 100 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने एक 100 लेंथ तक एकोमोडेट करने वाला 101 साइज का 2D DP डिक्लेयर कर दिया, और फिर मैंने उसके हर एक के वाई कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एक्स कोऑर्डिनेट को स्टोर कर दिया। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, हमने बात किया कि हम वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पे कर रहे हैं। किसी का वाई कोऑर्डिनेट अगर 15 है, ठीक है, 15 तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और उसका एक्स एक्सिस कितना दूर तक स्पैन कर रहा है, मान लेते हैं 3 तक स्पैन कर रहा है, तो 15 × 3। ठीक है, अब फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे हर एक वेक्टर को जाके सॉर्ट करना होगा। ठीक है, सॉर्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगले बार जब मैं सर्च करूँ ना कि कितने कोऑर्डिनेट, कितने एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे 15 मैं वाई कोऑर्डिनेट पे हूँ, मैंने मार्क लगाया, तो उस में मैंने सर्च किया कि यहाँ कितने एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि 3 या 3 से बड़े हैं, तो उसके लिए मैं या तो लीनियरली जाके सर्च कर सकता हूँ कि हाँ तुम 3 या 3 से बड़े हो तो काउंट 1 इंक्रीमेंट, तुम 3 या 3 से बड़े हो इंक्रीमेंट करो काउंट, तुम 3 या 3 से बड़े हो काउंट इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर छोटे हो तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। या फिर दूसरा एक मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि सीधा मैं बाइनरी सर्च कर दूंगा। ठीक है, बाइनरी सर्च करने से क्या फायदा हो जाएगा कि मैं एक बार में सर्च करूंगा कि 3 से कितने एलिमेंट ज्यादा बड़े हैं और कितने एलिमेंट छोटे हैं। ठीक है, एक बार में बाइनरी सर्च से निकल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो वेक्टर मैंने बनाया 2D वेक्टर उसको मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक रो को मुझे जाके सॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इस 2D जो आपका वेक्टर है उसमें इटरेट करना चालू किया। सबसे पहले सॉरी 2D वेक्टर आपका जो पॉइंट्स वाला है उसमें इटरेट करना चालू किया, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपको जहां पर दिया उसमें मैंने इटरेट करना चालू किया। उसके बाद मैंने क्या सर फिक्स किया कि हाँ इस वाई कोऑर्डिनेट को मैंने फिक्स कर दिया, और उस वाई कोऑर्डिनेट से लेके 100 कोऑर्डिनेट तक मैं जाऊंगा और सर्च करूंगा लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड क्या रिटर्न करता है कि फर्स्ट एलिमेंट विच इज नॉट लेस देन योर टारगेट। ठीक है, अगर आपने सर्च किया था 3, अगर 3 एरे में है तो रिटर्न करेगा कि हाँ ये इंडेक्स रिटर्न करेगा 3 का। अगर 3 एलिमेंट एरे में नहीं होता तो ये रिटर्न करता उस एलिमेंट का इंडेक्स जो कि 3 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट एलिमेंट विच इज नॉट लेस देन द नंबर यू हैव सर्च्ड। ठीक है, और ये सब में अगर आपको दिक्कत होता है STL में, तो हमने STL का एक बहुत ही अच्छा सा प्लेलिस्ट बनाया, तो उससे आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड बाइनरी सर्च, ये क्योंकि बहुत काम आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि ये चीज है, बाइनरी सर्च और लोअर बाउंड अपर बाउंड। ठीक है, यहाँ पर अगेन आप सर्च करोगे कि यहाँ कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इससे बड़े हैं। ठीक है, और फिर आप क्या कर दोगे, j डॉट साइज में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, आपने लोअर बाउंड लगाया 3 पे। ठीक है, 3 पे लोअर बाउंड आपने लगाया, तो मान लेते हैं एरे में 10 एलिमेंट थे, लोअर बाउंड आया आपका 4 पे। ठीक है, कि 4 तक आपको ऐसा एलिमेंट मिल जा रहा है जो कि 3 से एटलीस्ट बड़ा है या बराबर है। आपके तो कितने एलिमेंट हुए जिनको आपको इंक्लूड करना है अपने आंसर में, तो आपको ये वाले आंसर को इंक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट है वो तो 3 से छोटे हैं। ठीक है, तो इनको तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, आप तो ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट खोज रहे हो जो कि इसको स्पैन करके एक्सटेंड करे। ठीक है, एटलीस्ट उतना तक हो, उससे ज्यादा बड़ा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर उससे छोटा ना हो, जो भी मेरा टारगेट है उससे छोटा ना हो। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको वीजे डॉट साइज माइनस आईडी करना पड़ेगा कि हाँ इतने लेंथ जो है, इतना जो नंबर्स हैं, इतने जो रेक्टेंगल्स हैं आपके इस 3 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप आंसर डॉट पुशबैक काउंट कर देना, मतलब कितने काउंट मिले आपको, कितने रेक्टेंगल में वो पॉइंट प्रेजेंट है, और इन द एंड यू कैन रिटर्न दैट आंसर वेक्टर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसके बाद भी कोई डाउट बज रहा है तो यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।